हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं और रूबी आज जा रहे हैं मेरी नानी के घर, और हम दोनों स्कूटी से आए हैं। पापा और ईशू भी स्कूटी से आ रहे हैं, मम्मी और मेरी मामी गाड़ी से आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नानी के घर। आज हमारे नानी के घर में कुछ है स्पेशल है। आज क्या स्पेशल है वो आपको मेरे आगे व्लॉग पर पता चलेगा। तब तक के लिए आप मेरे व्लॉग पर बने रहें और मेरे व्लॉग को देखते रहें, भावना चौहान UK05। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम पहुंच चुके हैं बसौड़, तो यहाँ से नीचे हम जाएंगे पैदल। अब हम यहाँ से नीचे पैदल जा रहे हैं। ये मम्मी रूबी और मामी दूर खड़ी हैं। चलो चलो चलो, हमारी बारात जा रही है। बारात पहुंचने वाली है। दुल्हन तैयार हुई नहीं हुई पता नहीं। दुल्हन बेचारी को अब मैं करूंगी तैयार। दुल्हन की नात नहीं करेगी, दुल्हन को तैयार। अभी मेहंदी लगाऊंगी, मैं मेहंदी लगाऊंगी आमा के हाथ में। क्या हो गया फिर? आज आप तो आए हो बाड़े धोने के लिए। एक बहू आई है, एक बेटी आई है, एक दो नातनी आई हैं। बर्तन आज नहीं धोएगी तो क्या हो जाएगा, पार टूट जाएगा। बैठे रहेगी, खाना हम बनाएंगे। क्यों रूबी? दिखेंगे ना अभी नीचे। ये है नौला, ये है पिलपानी। मम्मी के दादा लगते हैं उनका घर है, मामा जी। और ये देखो पहाड़ी नज़ारा, रमबास के कांटे। रूबी सोएगी इनमें आज। आज रूबी को किरमोड़े के कांटों में सुलाएंगे। लेके आई है और यहाँ कैसा कह रही है, इसमें सुलाए इसमें पितामा बनाए। मजा आएगा। रूबी अगली बार से गई कि मैं नहीं आती हूँ बड़ी मम्मी के मायके। रुक जा, आज तुझे असली डल्लब के गद्दे दिखाती हूँ। गज्जे के लुट्टे में सुलाऊंगी। गज्जे का लुट्टा मामा का। सो रखे होंगे भात आत खा के मामा लोग। जल्दी का 12:30 एक तो बजने वाला है। आमा, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हैप्पी एनिवर्सरी आमा। प्रणाम प्रणाम आमा। कैसे हो? ऐसे ही 100 साल तक और बनाते रहो। गर्मा गर्म भात आमा के हाथ का खा लो गाइस। पहुँचते पहुँचते अब हम भात खा रहे हैं हाथ मुँह धो के। ये है टमाटर और किसकी चटनी मम्मी? पुदीना, पुदीना, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च। रूबी खाएगी अब भत्तू। भैंस का घी भी डला है इसमें। ये है मम्मी, ये है मेरी आमा, और मामी भी आ गई भात खाने। वो डड़वा भी आ गया। छाता लेके जा रहे हैं हम पापा लोगों को लेने ऊपर। बारिश आ चुकी है, अभी भात खा रहा है और चल रहे हैं तो थकान लग रही है चलने में। आ गए आ गए जी, आ चुके हैं इसू और पापा ऊपर हैं। आ जा। रात की तैयारी करते हुए गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं मम्मी मामी और रूबी और मैं। और एक वो मेहंदी लगा रहे हो, लड़कियां नहीं लगा रही है मेहंदी। और अब प्रधान प्रधान कहाँ का प्रधान है? ये हराली का प्रधान। ये है हमारे गुब्बारे। अम्मा के दो दांत दिख रहे। तैयारी करते हुए बुबू सो रखे हैं छोटे बुबू। अब हम छोटे बुबू को उठाते हैं। बुबू ये कान में ये फोड़ते हैं।
कोई है कंबल ओढ़ के सोए कहाँ बेटे आए हैं पत्तन है बोलेंगे गुब्बारे गुब्बारे गिफ्ट में लेके आए बुबू के हाथ की मेहंदी रूबी ने लगाई है खराब हो गया ये छोटी अम्मा मेहंदी लगा रही है छोटी अम्मा यहाँ देखो रायता बना रही है मम्मी पनीर बनाने की तैयारी हो रही है गाइस छोले बन गए थे ये पनीर कट रहा है मठा बना दे एक एक गिलास और यहाँ कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तो मैं पनीर बना रही हूँ और इसमें छोले बन रहे हैं मामी ने बनाए हैं छोले और मेरी कलाकारी देखो गाइस अरे बैलून हमने फुलाए बैलून हम सब ने मिलके फुलाए हैं तो यहाँ पे आमा और बुबू बैठेंगे और हमने डेकोरेशन कर दिया अपने तरफ से जैसा हो सकता है अपने तरफ से हमने पूरी कोशिश की है ये देखो मामी और आमा बुबू छोटे बुबू और छोटी अम्मा दुल्हन इधर देखो दुल्हन यहाँ देखो यहाँ हाँ दांत दिखाएंगे तो फिर छेद दिखेंगे दांतों के ये हैप्पी एनिवर्सरी क्या बोले क्या बोले रे मिलकर क्या रुकी
चार लगा दूंगी क्या जा रहा मेरा। शिव और पार्वती की मूर्ति ऐसे ही जुड़ा बने रहे, अमर रहे आमा जुड़ा। Let it go.
रायता, ये है छोले, हलवा, हलवा पूरी, ये सब बनाया आज हमारा पकवान। ये सुखाते हैं। खाना खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। स्टार्ट भी कर दिया, ये गंगा गंगा जल पी रहे हैं पहले, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। रूबी भी आ जाइए आप। डरी मेरी डरी निन्नु कर जी देखो डड़वा ए डड़ू क्या कर रहे हो कहा सुबह सुबह ये यहाँ का बेड ऐसा ही होता है देखो जमीन में सोते हैं कमर सीधी जाती है लेकिन ऐसे जमीन में सो गए ना रूबी अब क्या करेगी तू अभी कहाँ बात खा के जाएंगे चल रहे जा रही हो फिर बाय बाय ये लोग जा रहे हैं हम तो कल जाएंगे जाओ रे जाओ मामी और मैं कल जाएंगे कुछ नहीं भूलियो भैंस भूलियो एक भैंस ले जाओ उधर ये राक्षस आमा का भैंस ये गंदा मम्मी बुबू के मंदिर में भेंट चढ़ाने जा रही है दूर से चढ़ाओगे पार से ही बंद किए हैं दरवाजे बाहर से डाल दो अंदर जा रहे हो फिर हाँ जाते हैं चलो फिर चलो हम तो कल आएंगे ओके बाय 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 पारो को भी प्रणाम कर पारो को भी प्रणाम करना रूबी पारो प्रणाम कर रही है वो रूबी तेरे को बस हो गया कल आ जाएंगे हम सुबह सुबह की गाड़ी लेके आ जाएंगे हम क्या कह रहे हो आप सीधे जाओ सीधे बाय बाय कल मिलते कल आराम से जाना हेलमेट पकड़े बाय
इसु